नमस्कार साथियों। देखिए, आज की क्लास में हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग आजकल सभी क्षेत्र में किया जा रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रचलन के बाद में एक मोबाइल नेटवर्क की भी बात होने लगी है। तो मोबाइल नेटवर्क क्या होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इसकी चर्चा आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में यहाँ पर दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी किसी भी मोबाइल की बात की जाए तो पहली चीज तो हमेशा याद रखिए, मोबाइल का मतलब किसी भी तरह के मूवेबल पार्ट से होता है या मूविंग भाग से होता है, जिसे आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन जो बना है वो आपके किसके माध्यम से, एक मोबाइल टेलीफोन जो हम लोग यूज करते हैं उसके द्वारा बना हुआ है। तो ये पहले टेलीफोन का यूज करते थे और टेलीफोन, केवल टेलीफोन की जब हम बात करते थे तो टेलीफोन का मतलब आपके कौन से फोन से हुआ करता था, लैंडलाइन फोन से होता था, जो कि एक वायर आपका बेस था, केबल पर आधारित हुआ करता था। अब मोबाइल कम्युनिकेशन की जब हम लोग बात करने लगे तो हम मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क की बात करने लगे। तो मोबाइल संचार नेटवर्क को हम लोग जिस नाम से जानते हैं एक्चुअल में, उसे मोबाइल सेलुलर, ठीक है, मोबाइल सेलुलर नेटवर्क के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो यहाँ पे ये सेलुलर नेटवर्क भी हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है, आंसर इसका बोथ ए एंड बी दोनों आपका आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल संचार क्या है, मोबाइल संचार किस तरह से हम लोग काम। तो यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो कहा गया कि अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विदाउट यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। देखिए, आपके जब भी मोबाइल की बात की जा रही है तो हम किसी वायरलेस, यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब एक तरह से हम लोग किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि बिना किसी केबल के माध्यम से जब संचार करने की बात होती है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम, एक यही आंसर लग रहा है कि भौतिक माध्यम के उपयोग के बिना विभिन्न स्थानों से संवाद करने की अनुमति देता है। एक तो ये हो सकता है कि अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विद यूज ऑफ फिजिकल मीडियम, इसमें कहा गया कि यूज ऑफ फिजिकल मीडियम कहा गया। अलाउज टू कम्युनिकेट फ्रॉम सेम लोकेशन, देखो सेम लोकेशन की तो कोई बात होती नहीं है, ठीक है, तो हम अलग लोकेशन से कर सकते हैं, तो सेम लोकेशन। अब डिफरेंट लोकेशन की बात कर रहा है तो कहा गया कि एक फिजिकल मीडियम के साथ में और विदाउट फिजिकल मीडियम। तो फिजिकल मीडियम का मतलब जहां आपके भौतिक रूप से कनेक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम लोग इसे लैंडलाइन के नाम से जानते हैं या सिंपली जो टेलीफोन आपका होता है उसके माध्यम से यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, वायरलेस संचार कह सकते हैं या फिर इस वाले पार्ट को हम लोग अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं। अनगाइडेड का मतलब जहां कोई एक डेडिकेटेड आपका पाथ नहीं होता कम्युनिकेशन करने के लिए, उसे वायरलेस कम्युनिकेशन या अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो यहाँ पर इस वायरलेस कम्युनिकेशन में जैसे डेटा संप्रेषण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की तरंगों का यूज करते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू विद द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम, भौतिक मीडियम के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर, यहाँ पे बिना किसी भौतिक माध्यम के आप डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। जब फिजिकल मीडियम की बात की जाए तो फिजिकल मीडियम का मतलब आपका कैसा कहलाता है, वायर बेस्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, फिजिकल मीडियम का मतलब वायर बेस्ड कम्युनिकेशन या फिर इसी वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे गाइडेड मीडिया के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिए इस वाले पार्ट में फिजिकल मीडियम के माध्यम से आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
नेक्स्ट देखिए अगला, देखो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन जो पार्ट आता है वो किसी भी आपके नेटवर्क का में यूज हो सकता है, कि वायरलेस कम्युनिकेशन बिना केबल के यूज करने वाला एक माध्यम है। जैसे आपका डब्ल्यू लैन होता है वैसे ही आपका डब्ल्यू लैन होता है, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू लैन का मतलब एग्जाम्पल जो आता है उसे वाईफाई कहते हैं, और वाईफाई का पूरा जो नाम होता है जिसे वायरलेस फिडिलिटी के नाम से हमारा जाना जाता है। इसका IEEE स्टैंडर्ड भी आप याद रखना चाहो तो IEEE 802.11 इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका WAN बड़े भौगोलिक क्षेत्र के वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, आजकल सैटेलाइट के माध्यम से भी कम्युनिकेशन प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर सैटेलाइट वेव का नाम सुना होगा जो दूरस्थ क्षेत्रों में यहाँ पर संचार के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, PAN आंसर तो इसका उपरोक्त, देख WPAN आपने नाम सुना होगा। ठीक है, WPAN का मतलब आपका होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका होता है। और ये जो आपका एग्जांपल आपका होता है जिसका नाम क्या है, ब्लूटूथ, और हम सभी को पता है कि ब्लूटूथ IEEE 802.15 पे स्टैंडर्ड पे काम करता है। इसके अलावा बड़े क्षेत्रों पे आप लोगों ने नाम सुना होगा WiMAX का नाम भी आता है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से भी आजकल 4G और 5G के अंदर डेटा संप्रेषण किया जा रहा है दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वाईफाई होता है क्या, होता है। ठीक है, यहाँ पर वाईफाई होता ही है, वायरलेस फिडिलिटी इसका आंसर यहाँ पर पूरा नाम होता है। मोबाइल फोन्स आपके होते ही होते हैं, वायरलेस कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, लैंडलाइन आपका एक फिक्स डिवाइस होती है जिसको केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, वायरलेस कम्युनिकेशन का उपयोग क्यों किया गया है। इट एनेबल्स बिलियंस ऑफ पीपल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, यह अरबों लोगों को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है, लोअर्स द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कहा गया नेटवर्क बुनियादी ढांचे की लागत को कम करता है। तीसरा है मेक सर्विसेज मोर इनएक्सपेंसिव, सेवाओं को और अधिक सस्ता बनाता है, और ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, आपका स्पेस डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, स्पेस डाइवर्सिटी को आप फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी, ठीक है, एंटीना डाइवर्सिटी, या फिर एंटीना डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, या फिर इसी पार्ट को हम लोग स्पेशियल डाइवर्सिटी के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही समय पर आप मल्टीपल एंटीनास का यूज करके किसी सर्विस को प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं उसे हम स्पेस डाइवर्सिटी या एंटीना डाइवर्सिटी या स्पेशियल डाइवर्सिटी के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, आजकल जैसे रेडियो की सर्विस है वो आपके AM एम्पलीट्यूड, यहाँ पर AM, ठीक है, आपने देखा होगा AM रेडियो होता है और सैटेलाइट रेडियो होते हैं, दोनों पे समान रूप से सर्विस प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन टेक्निक इज एम्प्लॉयड बाय पेजिंग सिस्टम। ठीक है, आप सभी को पता है कि मोबाइल कम्युनिकेशन में जब भी कॉल एस्टेब्लिश की जाती है तो एक पेजिंग रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ये पेजिंग रिक्वेस्ट जो होती है संबंधित आपके क्षेत्र उस एरिया के जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है वहां से जाती है, और मल्टीपल आपके जो मल्टी पॉइंट जो टेलीफोन सिस्टम ऑफिस होता है या फिर जो मेन आपका टेलीफोन स्विचिंग सेंटर होता है वहां जाती है। उस रिक्वेस्ट के आधार पर आपके संबंधित एरिया के BTS से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि उससे मल्टीकास्टिंग तो नहीं होता, मल्टी वन टू मैनी वन टू वन, याद है कि साइमल कास्टिंग के नाम से उस आपकी रिक्वेस्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सी तार रहित टेलीफोन की समस्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ड्रॉबैक ऑफ कॉर्डलेस टेलीफोन? कॉर्डलेस जो टेलीफोन आपके यूज होते थे, उन टेलीफोन की क्या समस्या थी? पहले देखा होगा कि लैंडलाइन फोन आने के बाद में हमें एक निश्चित समय के लिए एक कॉर्डलेस फोन आते थे, BSNL के भी फोन आते थे। तो पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल लिमिटेड कवरेज एरिया, नहीं उसका जो क्षेत्र आपका होता था वो आपका क्षेत्र कैसा होता था? लिमिटेड होता था, एक छोटी दूरी तक ही हम उसे कम्युनिकेट कर पाते थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज CDMA स्टैंडर्ड फॉर सेकेंडरी? CDMA के बारे में आप सभी को पता है कि कोड डिवीजन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जहां किसी भी मैसेज को आपके कोड के माध्यम से मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है उसकी बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया ETACS आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सेकेंडली जो पार्ट आपका एज दिया गया है, और यहाँ पे देखिए आपके हर जो जनरेशन मोबाइल जनरेशन, जैसे आप लोगों ने 1G का नाम सुना है, 2G, तो किसी न किसी को हम लोग अलग अलग तरह से नाम से जानते हैं। तो ये एक्चुअल में ये जो टेलीफोन की बात की जाती थी, टेलीफोन कम्युनिकेशन 1G का पार्ट आपका माना जाता है, ठीक है। 2G के अंतर्गत हम लोग इसे GSM के नाम से जानते हैं, और जो सर्विस हम इनिशियली GPRS सर्विस की बात करने लगे थे, आप लोगों ने देखा होगा 2.5G और 2.75G जो पार्ट आता है, इस वाले पार्ट को इनिशियली GPRS कहने लगे, और फिर इसके बाद में आपके सन एज के नाम से, फिर 3G जो पार्ट आता है जिसे HSPA या फिर आपका HSPA प्लस के नाम से जाना लगा, फिर 4G हम लोग यूज करते हैं जिसे LTE और किसके नाम से, वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर एनहेंस डेटा सर्विस फ्रॉम GSM इवोल्यूशन एज का नाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के अंतर्गत आप लोगों से पूछा गया है, उसका नाम IS 95 स्टैंडर्ड आपका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए TDMA स्टैंडर्ड? देखो TDMA का मतलब होता है टाइम डिविजन, ठीक है, टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। तो TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस 2.5G का मतलब GPRS नेटवर्क होता है। तो पहला जो पार्ट आता है GPRS का मतलब यहां पर कहा जाता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट आता है इसे कहा जाता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। एज का मतलब यहां पर कहलाता है एनहेंस्ड डेटा सर्विस फॉर GSM इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इस वाले भाग में जो भी ऑप्शंस आपके दिया हुआ है उस वाले पार्ट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर HSCSD हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड सर्किट स्विच्ड डेटा के नाम से हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट आपके यहां पर अवेलेबल है, तो क्वेश्चन आंसर आएगा कौन सा, GSM आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू 3G इवोल्यूशन ऑफ GSM, ठीक है, IS-136 एंड PDC सिस्टम। देखिए अलग अलग तरह के आपके GSM सिस्टम आपके थे उस वाले पार्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इस कैटेगरी का आंसर यहाँ पर होगा, बाकी तो 2G वाले पार्ट में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी विद 3G CDMA 2000। तो देखो ये आपके मोबाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपके स्टैंडर्ड्स आपके हो सकते हैं और उस वाले पार्ट में पूछा गया है। तो याद है कि GPRS जो पार्ट आता है वो आपका 2G का है, बाकी आपके किसके है, 3G स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई ए सेट ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन इंप्लीमेंटिंग WLAN। WLAN का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, वाईफाई कहते हैं।
IEEE 802.11 आपका वाईफाई है, ये हम कह सकते हैं वाई मैक्स का है, ये आपका जो पार्ट आता है जिसे ब्लूटूथ कहते हैं, और ये हम लोग स्टैंडर्ड जो कहते हैं वो कौन सा कहते हैं, इथरनेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखो, विच मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज बाय ब्लूटूथ। देखिए अलग अलग आपके नेटवर्क है, ब्लूटूथ जो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है उनके द्वारा, देखिए मॉड्यूलेशन के लिए जो स्कीम्स आपके काम में ली जाती है उस स्कीम की बात की जा रही है, और पहला जो पार्ट आता है जिसे GFSK कहते हैं, तो ये आपके एडवांस पार्ट आता है जिस वाले पार्ट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर इस वाले पार्ट में आपका यहां पे कहा जाता है गोशियन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, शिफ्ट की कह सकते हैं, ये आपके सीनियर वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, जो मोबाइल कम्युनिकेशन वाला पार्ट दिया गया है उसमें से आ सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड सेल। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर सर्विस एरिया को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक पार्ट को सेल कहते हैं, और उस वाले पार्ट को हम कहते हैं कौन से, हेक्सागोनल शेप में होता है, ये आप क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द हैंड ऑफ। ठीक है, हैंड ऑफ या तो आप हैंड ऑफ कहते हैं, या इसी पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो हैंड ओवर कहते हैं। ठीक है, हैंड ओवर का मतलब बेसिकली तो क्या होता है, एक सर्विस एरिया से जब कोई मोबाइल आपका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तो उस केस में क्या होता है कि एक कवरेज एरिया से हम दूसरे कवरेज एरिया में जाते हैं तो संबंधित टावर से BTS से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पूछा गया कि उसे क्या कहते हैं कि ब्रेथिंग सेल के नाम से, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में दिया गया है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, कि ऑप्शन आप लोगों के पास में दिया गया ब्रीथिंग सेल लोकेटर रिसीवर MAHO आपका दिया गया है, तो यहां पर उसे हम कहते हैं लोकेटर रिसीवर के नाम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ थ्रूपुट डेटा रेट पर हर्ज। ठीक है, हर्ज के आपके रेशियो की बात की जा रही है, तो पहला जो पार्ट आपका दिया गया स्पेक्ट्रल, यहां पे देखो याद रखिए हर्ज जो पार्ट आता है बेसिकली रेलेवेंट होता है किससे संबंधित, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी रेलेवेंट आपकी होती है किससे होती है, बैंडविड्थ से, तो इसलिए हम कहते हैं कि बैंडविड्थ एफिशिएंसी को हम लोग ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी ऑफ वायरलेस सिस्टम। पूछा गया किसी भी वायरलेस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बेसिकली रेडियो वेव कम्युनिकेशन के माध्यम से यूज करते हैं, तो हम रेडियो कैपेसिटी के नाम से उसे डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CDMA स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंड जनरेशन नेटवर्क। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, CDMA 1 के नाम से भी उसे जाना जाता है, IS 95 इसके नाम से जाना गया स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर 2G CDMA स्टैंडर्ड फॉर IS 95 इज नॉन एस। उसे हम लोग अभी कह चुके हैं CDMA 1 कहा जाता है उस स्टैंडर्ड को, तो 71 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ 2G। आप याद करिए वो जमाना जब आप 2G यूज करते थे तो जहां पर आपको GSM की सर्विस दी गई थी, फिर उसको एनहेंस करके हम लोग GPRS और फिर किसके बाद में एज की सर्विस की बात करने लगे थे, तो शॉर्ट मोसेज सर्विस आती थी, डिजिटल मॉड्यूलेशन, लिमिटेड कैपेसिटी, याद कि लिमिटेड इंटरनेट ब्राउजिंग उसका डिसएडवांटेज हुआ करता था, आपकी ब्राउजिंग जो है वो बहुत कम आपकी होती थी, स्पीड बहुत कम, GPRS के माध्यम से यूज करते थे। नेक्स्ट देखिए अगला है, US सेलुलर स्टैंडर्ड CDPD। इसका नाम जो, ये दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सेलुलर डिजिटल पैकेट डेटा आपका कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग World War II। देखिए किसी भी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी पर लागू करना उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब मॉड्यूलेशन अलग अलग तरह का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और उसी के आधार पर अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती है जिसे हम लोग काम में लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया है, और उस समय का मॉड्यूलेशन कौन सा था? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन था। नेक्स्ट देखिए, 2G CDMA स्टैंडर्ड CDMA 1 सपोर्ट अप टू, कि आप CDMA 1 का यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने यूजर्स को सपोर्ट किया जाता है? तो हम कहते हैं 64 यूजर्स को एट ए टाइम क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके बैकअप से संबंधित भी है, बैकअप का मतलब क्या होता है वो समझिए। आजकल किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डेटा होता है। अब ये डेटा आपके किसी सिस्टम फेलियर, डिवाइस फेलियर की वजह से करप्ट हो सकता है, या हैकर्स होते हैं वो भी डेटा स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, क्या उसे एनक्रिप्ट करके ऐसे फॉर्मेट में बदल देते हैं जिससे आप उसे यूज नहीं कर पाते। तो टू यहां पर कहा गया टू रीस्टोर ए कंप्यूटर, कि यहां पर कहा गया कि टू रीस्टोर ए कंप्यूटर टू एन ऑपरेशनल स्टेट फॉलोइंग ए डिजास्टर, एक आपदा के बाद एक परिचालन स्थिति में एक कंप्यूटर को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन सेकंड है टू रीस्टोर स्मॉल नंबर्स ऑफ फाइल्स आफ्टर दे हैव बीन एक्सीडेंटली डिलीटेड, ऐसा भी कह सकते हैं। टू रीस्टोर वन अमंग मेनी वर्जन ऑफ सेम फाइल फॉर मल्टीपल बैकअप एनवायरमेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द मेंशन, सभी उल्लेखित सभी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बैकअप ऑफ द सोर्स डेटा कैन बी क्रिएटेड, आप किसी भी सोर्स डेटा का बैकअप कहां क्रिएट कर सकते हैं, ऑन द सेम डिवाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेम डिवाइस पे भी कर सकते हैं, ऑन अनदर डिवाइस, अन्य डिवाइस पे भी कर सकते हैं, एट सम अनदर लोकेशन, हम अन्य लोकेशन पर भी कर सकते हैं, नहीं यूजुअली बैकअप दूसरी जगह ही क्रिएट किया जाता है ताकि डिवाइस और सिस्टम के फेलियर होने पर डेटा को प्राप्त करना आसान हो जाए। नेक्स्ट देखिए 78, बैकअप ऑफ द सोर्स डेटा, आपका सेम क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए आंसर इसका ऑल ऑफ द मेंशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप के लिए सॉफ्टवेयर, देखो बहुत सारे बैकअप के सॉफ्टवेयर होते हैं, अमाडा, बैकुला, IBM, टिविली, ये उपरोक्त सभी सॉफ्टवेयर के नाम याद रखिए, ये सभी बैकअप के सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एथिक्स बिहाइंड ट्रेनिंग हाउ टू हैक ए सिस्टम, हम कहते हैं एथिक्स बिहाइंड ट्रेनिंग हाउ टू हैक ए सिस्टम, एथिक्स की बात की है। हैकिंग की जब बात की जाए, हैकिंग का बेसिकली मीन लोग समझते हैं कि किसी की अकाउंट को अनऑथराइज मैनर में एक्सेस करना, लेकिन हैकिंग भी दो तरह की होती है, एक तो ब्लैक हैट हैकिंग होती है और एक व्हाइट हैट हैकिंग होती है। हैकिंग केवल ब्लैक हैट हैकिंग होती है तब हम कह सकते हैं दोबारा यहाँ पे किसी से अनुचित रूप से सूचनाओं को प्राप्त कर लेना या उस सिस्टम को एक्सेस कर लेना, लेकिन एथिकल हैकिंग क्या है कि उसी तरह की सोच रखना ताकि अगर सिस्टम में कोई समस्या आ जाए तो आप सिस्टम को फिर से रीगेन कर सकें। तो यहाँ पे टू थिंक लाइक हैकर्स एंड नो हाउ टू डिफेंड सच, हैकर्स की तरह सोचने के लिए और ऐसे ठीक है ऐसे हम लोग का बचाव के बारे में जानने के लिए, ठीक है पहला ऑप्शन ही इसका सही, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 81 क्वेश्चन है आपका, परफॉर्मिंग ए शोल्डर ठीक है सर्फिंग इन ऑर्डर टू चेक अदर्स पासवर्ड इज एथिकल प्रैक्टिस, ठीक है इस वाले पार्ट को हम लोग यहां पर कहते हैं कि यहां पर कौन सा पार्ट आपका दिया गया है, एक आगे दूसरे का पासवर्ड जांचने के लिए शोल्डर सर्फिंग करना एक गुड गलत बात है, Not so good गलत है, very good है, आंसर क्या होगा, ए बैड आपकी हैबिट हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने दिया गया है कि अब अनएथिकल हैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरणों में से एक रूप में विकसित हुआ है, और उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। मालवेयर का मेन जो पार्ट आता है उसे नाम दिया जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग अवांछित रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो मालवेयर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है IT, यहाँ पे इज द टेक्निक यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म्स टू प्रोटेक्ट IT असेट, आप कहते हैं IT असेट को अगर बात करें बचाना चाहते हैं तो IT परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यवसायिक संगठनों और फर्मों में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है, उसे यहां पर कौन सी तकनीक होती है जिसका उपयोग आप लोग इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन पढ़कर आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों के सामने दिया गया, तो आप सभी को अभी मैंने बताया कि यहां पर एथिकल हैकर होता है,
एथिकल हैकिंग या फिर इस वाले पार्ट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं व्हाइट हैट हैकिंग के नाम से भी क्या होता है जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, द लीगल रिस्क ऑफ एथिकल हैकिंग इंक्लूड लो सूट ड्यू टू पर्सनल डेटा। कहा जाए एथिकल हैकिंग के कानूनी जोखिमों में व्यक्तिगत डेटा के कारणों के मुकदमे शामिल होते हैं। ऑप्शन है स्टीलिंग, डिस्क्लोजर। तो आंसर क्या आएगा? डिस्क्लोजर आंसर आएगा, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना, वो पार्ट आता है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर परफॉर्मिंग द एथिकल हैकर शुड नेवर डिस्क्लोज क्लाइंट इंफॉर्मेशन टू अदर पार्ट। तो हम कहते हैं कौन सा टेस्टिंग कहते हैं? पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, जिसे लूप होल्स वगैरह ये चेक किया जाता है, तो ये खुलासा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है। In the branch of cyber security that deals with morality and provides different theories and a principle regarding the viewpoint about the what is right or wrong. ठीक है, साइबर सुरक्षा की शाखा है जो नैतिकता से संबंधित है और सही और गलत के बारे में दृष्टिकोण के बारे में सभी सिद्धांत को प्रदान करती है। सोशल एथिक्स होगा, एथिक्स इन साइबर सिक्योरिटी होगा, ठीक है, कॉर्पोरेट एथिक होगा, एथिक इन ब्लैक हैट हैकिंग होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में दिया गया है और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो याद रखना है एथिक्स इन ब्लैक हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग जो होती है उसमें एथिक्स की जानकारी जो होती है उसकी बात की जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 हेल्प्स टू क्लासिफाई आर्ग्यूमेंट्स एंड सिचुएशन बेटर अंडरस्टैंड इज साइबर क्राइम एंड हेल्प्स टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शंस। कहा गया कि तर्कों और स्थितियों को वर्गीकृत करने में मदद करता है और साइबर अपराध को बेहतर ढंग से समझता है और उचित कार्यों को निर्धारित करने में मदद करता है, उस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइबर एथिक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेनिट्रेशन टेस्टर मस्ट आइडेंटिफाई एंड कीप इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म व्हाइल इवैल्यूएटिंग द सिक्योरिटी पोस्चर। हम कह देंगे एक पेनिट्रेशन परीक्षक को सुरक्षा मुद्राओं का मूल्यांकन करते समय एक फर्म की आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्टिंग टेक्निक, एथिक्स टू टॉक विद सीनियर्स। क्वेश्चन नंबर आपका 88 आपको आंसर बताना है। तो आपको याद रखना है उसे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दोनों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इज एन एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस व्हेन साइबर क्रिमिनल इन्फिल्ट्रेट्स एनी डेटा सोर्स एंड टेक्स अवे ऑन द अल्ट्रा सेंसिटिव। तो एक गतिविधि है जो तब होती है जब साइबर अपराधी किसी भी डेटा स्रोत में घुसपैठ करता है और संवेदनशील जानकारी को छीन लेते हैं या बदल देते हैं, उसे क्या कहेंगे? डेटा हैक कहेंगे, डेटा स्टीलिंग कहेंगे, आप डेटाबेस अल्टरिंग या डेटा ब्रेच के नाम से आपका जाना जाता है। तो याद रखिए उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे डेटा ब्रेच के नाम से, डेटा हैक नहीं होता, स्टीलिंग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट बिकम द मेजर टारगेट ऑफ अटैकर ऑफ और डेटा स्टीलिंग। ठीक है, बिजनेस फर्म्स तो टारगेट पे रहते हैं या मेडिकल एंड हेल्थ केयर भी होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होते हैं वो कभी भी टारगेट पे नहीं होते, बहुत रेयरली ऐसा होता है जब एनजीओ की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, ठीक है, विल गिव यू एन यूएसबी विच विल कंटेन, ठीक है, दैट विल टेक कंट्रोल ओवर योर सिस्टम इन द बैकग्राउंड। तो आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा पार्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास में 91 आपके स्क्रीन पे दिया गया है और 91 आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखो 91 में कहा गया एक अटैकर, हम कहते हैं कि अटैकर आपको एक यूएसबी देगा, अटैकर देगा, व्हाइट हैट हैकर तो हो ही नहीं सकते हैं, अटैकर होंगे और उसके अंतर्गत क्या होगा? ट्रोजन होगा, जो रिमोट एक्सेस कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 दिया गया है, विल एनक्रिप्ट ऑल योर सिस्टम फाइल्स एंड विल आस्क यू टू पे ए रैंसम इन ऑर्डर टू डिक्रिप्ट ऑल द रैंसमवेयर, उसे कहते हैं। ठीक है, उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रैंसमवेयर कहते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी को एनक्रिप्ट कर देना और उसे वापस से डिक्रिप्ट करने के लिए डिमांड करना रैंसमवेयर। स्कैरवेयर, न्यू अडेयरवेयर जो पार्ट आता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं। स्पाईवेयर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, आर स्पेशल मालवेयर प्रोग्राम रिटन बाय अलाइट हैकर्स
एंड ब्लैक हैट हैकर टू स्पाई योर मोबाइल। तो यहाँ पे जासूसी करने वाले प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, स्पाईवेयर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखो, क्लिकिंग ए लिंक विच इज देयर इज योर ईमेल विच केम एन अननोन सोर्स एंड रिडायरेक्ट यू टू द ऑटोमेटिकली इंस्टॉल मालवेयर इन योर सिस्टम। कहा गया कि यहां पर आपके ईमेल में मौजूद एक सिंगल लिंक पर क्लिक करना जो किसी अज्ञात सोर्स से आया है, इसलिए कहते हैं कि अननोन सोर्सेस से कभी भी अगर बात करें आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, उसे मैलिशियस साइट के नाम से जा कह सकते हैं जो आपको क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 95, एन अटैकर में यूज ऑटोमेटिक ब्रूट फोर्सिंग टूल टू कॉम्प्रोमाइज योर, एक हमलावर आपके समझौते करने के लिए स्वचालित बूट फोर्सिंग टूल का उपयोग कर सकता है। तो आपके बूट फोर्स आपके टूल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, वो आपके किसके लिए होते हैं, पासवर्ड की लॉगर्स वगैरह होते हैं वो भी इसी तरह के कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द अटैकर विल यूज डिफरेंट बूट टिकेट टू पिंग योर सिस्टम एंड द नेम ऑफ द अटैक इज, उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इज ए मैलिशियस मेथड यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल टू ट्रिक ए यूजर इनटू क्लिकिंग ऑन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टू यूजर वांट। ठीक है, साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक दुर्भावनापूर्ण तरीका है जो उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता की इच्छा से अलग किसी चीज पे क्लिक करने के लिए बरगलाता है। क्या आप कहिए कि क्लिक करिए, उस क्लिक को यहां पर किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, ठीक है, उसे क्लिक जैकिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला, क्लिक जैकिंग हमले के माध्यम से कर्मचारी की गोपनीय लीक या चोरी हो सकती है। ये अभी आपका था कि क्या चोरी हो सकता है, तो हम कहते हैं कि इसके माध्यम से किसी भी कर्मचारी किसी भी यूजर की जानकारी जो होती है वो चोरी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 90, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लॉक अननोन स्ट्रेंज एंड विद इन द कॉर्पोरेट नेटवर्क। क्या ब्लॉक करने की बात, कॉर्पोरेट नेटवर्क के भीतर अज्ञात अजीब और ठीक है यहां पर किससे ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है, हम कहते हैं इन्फेक्टेड साइड आपकी जो होती है हानिकारक साइड होती है उन्हें ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, यूज ऑफ कैन ब्रिंग एक्सटर्नल फाइल्स एंड वॉर्म्स एंड वायरस अलॉन्ग विद इंटरनल सिस्टम, जब आप किसका यूज करते हैं, पेन ड्राइव। अगर रिमूवेबल मीडिया का आप लोग यूज करते हैं तो संभावना रहती है कि वहां से वायरस और अन्य हानिकारक प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग से नए टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।